आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दीदी सोच रही है कि हर दिन तो वही स्टार्ट करती है। तो नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है, निशा जाने वाली है तो अब कितना दिन बाद इसके साथ ब्लॉग बनाएंगे, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग कहीं घूमने का प्लान किए हैं, वेदर तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा वेदर में सोच रहे कहीं घूम के आए। माही भी है, माही अभी छोटा सा डेकोरेशन किया है, देखो। ओह यार, मेरे हस्बैंड और उसके साली का बर्थडे है, मतलब मेरी बहन का, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन और क्या। और फिर से मेरा गला बैठ गया है, मैं ठंडा पानी पी ली हूँ तो मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है यहाँ पे, और मेरा साउंड अच्छा से क्लियर नहीं आएगा क्योंकि पीछे से मेरा बेटा कंटिन्यू हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया जा रहा है। देखो मम्मी भी है, बस हम ही लोग हैं, निशा है, मम्मी है, क्योंकि मम्मी के पास आए हुए थे तो और मम्मी जी तो है नहीं, और मेरे हस्बैंड तो मिस कर रहे हैं। देखो मेरी मैडम जी को बेटी, ये क्या है, ये देखो हैंकी मैंकी सब निकला हुआ है। नहीं, ये एक्चुअली रेडी नहीं हुई है, पूरा पसीना से उस दिन के प्री सेलिब्रेशन जिस दिन हुआ था उस दिन भी अपना डेकोरेशन की थी, आज भी डेकोरेशन निशा ही की है। और रुको, आज भी डेकोरेशन निशा ही की है, पर आज अपने जीजू के लिए की है, बट दोनों का सेम डे पे बर्थडे है। Look at the cake and look at the happy birthday. फ्लाइट का टाइम थोड़ा आगे पीछे होने के कारण वो आज रात को, क्या जो मैं बोल रही थी, यहाँ पे मुझे कोई बुलाने लगा था तो मैं भूल ही गई क्या जो बोलने जा रही थी, तो मुझे मतलब रात को ही सेलिब्रेशन करना पड़ा हम लोगों को। और क्या बोले, ये भी प्रिय हो गया क्योंकि अभी देखो कितना रात का दर्द, खाना पीना चल रहा है, केक का, हाँ क्या है अभी तो अभी सब कुछ आया नहीं है, जब आ जाएगा। हाँ, अभी निशा को निकलना है, उसका ट्रेन है तो अभी बहुत जल्दी जल्दी है, तो अभी उतना शूट नहीं कर पाएंगे। हेलो, बर्थडे का ब्लॉग, बर्थडे के दिन मैं ब्लॉग उतना नहीं बना पाई क्योंकि वो मेरा बोली थी बहुत हड़बड़ी है उस दिन, और
निशा को जाना था, साढ़े दस बजे वो निकल गई थी, मैं जब दिखाई थी 10 बज रहा था, तो वो खा पी के तुरंत निकल ली। और मेरा आवाज़ थोड़ा हल्का जाएगा क्योंकि मैं बोली थी ना ठंडा पानी पी लूँ, अब तो मेरा गला बैठ जाएगा, अभी तो बहुत बैठ गया, अभी तो मैं बहुत ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो इतना सा भी निकल रहा है पता नहीं। और भी तो सब ठंडा पानी पिया था, किसी का गला ऐसे क्यों नहीं बैठता जितना मेरा बैठ जाता है खैर जो भी हो, तो बर्थडे के दिन भी मैं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा घूमने गए थे, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी कि मतलब माही को छोड़ के थोड़ा घूम रहे हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता है बेबी हो जाने के बाद, मतलब एक साथ में अकेले घूमो फिरो ये सब नहीं हो पाता है, जिसके बेबी हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट करना चाहिए और सिर्फ घूमी मस्ती की टाइम स्पेंड की। एक्चुअली पार्क गई थी और थोड़ा इधर उधर थोड़ा शॉपिंग भी की, और आज बर्थडे का बाद दिन मैं बैठी हूँ थोड़ा भाषण देने और जो भी हो, तो इसलिए मैं ब्लॉग पूरा नहीं बना पाई, आधा अधूरा ब्लॉग है मेरा पहले वाला। और वैसे नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ब्लॉग शूट करूं। एक्चुअली माँ ही इतना परेशान करने लगता है ना आजकल, वही बीच में आके बोलने लगता है, मतलब जो मेरा ब्लॉग अभी देख रहा है वो तो देखा ही होगा कि माही भी फ़ोन लेके हैप्पी बर्थडे ये वो, मैं तो थोड़ा सा डाली हूँ, वो तो बहुत कुछ बोला था, मतलब क्या बोलूँ, मैं जितना ब्लॉग नहीं शूट की हूँ मेरे से डबल ट्रिपल वो शूट किया था, लेकिन अब इतना सारा बकवास तो नहीं डाल सकती तो इसलिए मैं उसका उतना नहीं डाली, बस थोड़ा सा डाली। पहले वो फ़ोन में वीडियो देखता था, लाइक व्हीकल का, एनिमल का, कोई सॉन्ग भी सुन लेता था, मतलब वो ABCD सॉन्ग वगैरह, बट अभी उसको फ़ोन में कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ उसको ब्लॉग बनाना है, मम्मी बना रही है उसको भी बनाना है, तो इसीलिए मुझे अपना फ़ोन छुपा के रखना पड़ता है, उससे थोड़ा छुपा के मुझे शूट करना पड़ता है, इसलिए मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, इसलिए मैं डेली ब्लॉग भी नहीं डाल पाती, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली एटलीस्ट 2-3 मिनट ही सही पर मैं डेली डाल सकूँ, पूरा दिन का छोटा सा एक एक्टिविटी सही डालूँ, बट मैं चाहती हूँ जिस मैं भी फ़ोन नहीं उसके सामने लाने देती, उसके पापा को भी बोलती हूँ, सबको ही थोड़ा बहुत कम ही उसके सामने फ़ोन चलाता है, नहीं तो वो फ़ोन लेके चलाने लगता है, और इतना ज़्यादा अगर फ़ोन में अभी से घुस जाएगा तो पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करना चाहेगा, अभी उतना पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो लिटरली यही रीज़न है मैं ब्लॉग अच्छा से शूट नहीं कर पाती। और दूसरा मे भी ये भी है कि मैंने भी कभी ब्लॉग नहीं बनाया और मेरा अभी स्टार्टिंग ही है तो मैं सीख ही रही हूँ, तो बस कोशिश करूँगी मैं भी डेली डाल सकूँ, एटलीस्ट 2 मिनट का ही वीडियो हो पर मैं डेली डालूँ। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छा से रहिए, हैप्पी रहिए।